विद्या संघ कर्मचारी संघ पूर्वांचल संगठन मंत्री सुन शुक्ला बोल रहा हूँ। इसमें बात धरने का मकसद यह है कि हमारा 2017 में 9 लोगों का जो है आज तक ईपीएफ एसआई है, उसके बाद जो है पूरा वेतन आज तक भुगतान 2017 का बकाया है, प्लस उसके बाद 2018 में पूरा बकाया वो भी चल रहा है। अभी तक हमारे अधिकारियों द्वारा कोई विस्तृत प्रकाश नहीं डाला जा रहा है, इसलिए हमारे धरना प्रदर्शन का मकसद यही है। आखिर आपको वेतन कितने माह से नहीं मिला है? वेतन हमारा कई माहों से विगत कई वर्षों से बाकी है। तो आखिर इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? 2019 इसके लिए जिम्मेदार हमारे उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिविजन तो था नहीं, दिनों से लाइन नहीं है, पूरी बिजली व्यवस्था एकदम ध्वस्त पड़ी हुई है और संविदा कर्मियों को वेतन न देने के कारण ये स्ट्राइक चल रही है, जिससे आम जनमानस अस्त व्यस्त है। ना मोबाइल चार्ज हो पा रहा है, ना पानी की भी किल्लत बिजली के नाते से हो रही है, इसलिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीच में चुनाव है और संविदा कर्मी हड़ताल पे हैं, क्या किसको आप दोषी मानते हैं इसका? दोषी तो सर ये बिजली विभाग के अधिकारियों को ही माना जाएगा, क्योंकि संविदा कर्मी जो है काम करने के बावजूद उनका यदि पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों में रोष भी रहेगा, असुविधा भी रहेगी। आप हो रही हैं पूरी दिक्कतें हो रही हैं, पूरा जनमानस त्राहिमाम कर रहा है और ये अधिकारियों की मिलीभगत से जो है हम लोग जनता त्रस्त हो रही है और सरकार की नीतियों को फेल करके ये लोग आपस के उसमें जो है विवाद में जनता को त्रस्त कर रहे हैं और अब जनता का गुस्सा उफान पे आ गया है। किसी भी समय कोई भी वारदात हो सकती है अगर जो इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो। जनता परेशान है, आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है और 48 घंटे से लाइट नहीं है, क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि सो रहे हैं? जी ये तो आपकी बात सही है कि जनप्रतिनिधि इस समय आपका आचार संहिता लागू हो चुका है और मैं इस आचार संहिता का उल्लंघन, इसमें आंदोलन कोई नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हम अपने विद्युत कर्मचारियों से जो मानदेय पर हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना कार्य सुचारू रूप से करे और उनकी व्यवस्था पारित की जाए।